हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। तो गाइस, सैमसंग ने अभी रिसेंटली अपने गैलेक्सी A50 डिवाइसेस के लिए 1.2.5 का अपडेट रोल आउट किया था इंडिया में। और गाइस, इसी अपडेट के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड की थी। तो गाइस, वो वाली वीडियो एक कंफर्मेशन वाली वीडियो थी और आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं इसी 1.2.5 के अपडेट का फुल डिटेल्ड वाला रिव्यू देने वाला हूं। और गाइस, इसके अलावा नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे और गाइस साथ में स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि अपडेट होने के बाद में स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है और कोई बग वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस मुझे बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पर जाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए गाइस, सैमसंग ने गैलेक्सी A50 के लिए 1.2.5 का अपडेट तो दे दिया, बट फ्रेंड्स, इस अपडेट के बाद भी हमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, जैसे कि एज लाइटनिंग और इस पैनल और साथ में ही कैमरा में फुल फ्लैश प्रो मोड, तो गाइज इन सारे फीचर्स में से अभी भी सैमसंग ने कोई सा फीचर हमें प्रोवाइड नहीं किया है। और गाइज, इस वाली अपडेट में जिन फीचर्स को सैमसंग ने ऐड किया है उनमें से बहुत सारे फीचर्स के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो मैं इस वाली वीडियो में आपका टाइम खराब ना करते हुए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पुराने वाली वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा गाइज, जितने बचे हुए फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को हम इस वाली वीडियो में कवर यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें जो पहला चेंज देखने को मिला है वो देखने को मिला है साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शंस में। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिस्टम साउंड थीम। तो गाइस, अभी आपको इसमें जो हमारे सिस्टम साउंड्स होते हैं उनको चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल गया है। इसमें आपको यहाँ पर टोटल 4 साउंड देखने को मिल जाते हैं जो कि अलग अलग हैं। और इनमें सिंपली आपको पहले एक सिंपल साउंड देखने को मिलता था, जो कि आपको ये वाला देखने को मिलता था, ये वाला। और बट अभी आपको यहाँ पर टोटल 4 अलग अलग साउंड देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, जिनको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को बेसिकली गाइस ये डिफॉल्ट वाला साउंड ही अच्छा लगता है, तो मैं इसको डिफॉल्ट वाला ही यहाँ पर रहने देता हूँ। इसके अलावा गाइस, एक और चेंज हुआ है, वो भी सेटिंग्स में ही हुआ है और जिसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडवांस वाले फीचर्स में। और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अब यहाँ पर एक और नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार। तो गाइस, अब अगर बात करें कि वाला फीचर काम कैसे करता है, तो गाइस सपोज कीजिए कि आप अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अगर आप इस वाले फीचर को ऑफ करने के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके जो स्मार्टफोन के स्टेटस बार होंगे और नीचे जो नेविगेशन बार आपके जो बटन होंगे वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मैंने इस वाले ऑप्शन को टर्न ऑफ कर रखा है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आपको यहां पर ऊपर स्टेटस बार भी देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ यहां पर नेविगेशन बार भी देखने को मिल जाएंगे। और गाइस, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूं तो रिकॉर्डिंग में ऊपर का जो स्टेटस बार है वो भी देखने को नहीं मिलेगा और नीचे का नेविगेशन बार भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं, आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस, इसके अलावा एक और फीचर था जो कि सैमसंग ने अपडेट के ओवरव्यू में मेंशन किया था, जिसमें लिखा था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर था, जिसमें लिखा था बिटमोजी स्टिकर्स आर सपोर्टेड ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस, इस वाले फीचर को मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे समझ नहीं आता कि इसको यूज कैसे करना है और फाइनली मैंने इसका तरीका निकाल लिया कि इसको यूज कैसे करना है। तो गाइस, इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और व्हाट्सएप में आप किसी भी सिंपल चैट में चले जाइए और अपना वहां पर कीबोर्ड ओपन कर लीजिए। और गाइस, सिंपली कीबोर्ड को ओपन करने के बाद आपको ये इमोजी वाला आइकन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर बोलेगा ये कि आपको ये डाउनलोड करना है बिटमोजी, और आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये 40-42 MB का एप्लीकेशन होगा और ये आपको सिंपली गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, बिटमोजी को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है, जैसे आप और कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं इंस्टॉल होने के बाद। और इसमें आपको साइनअप यहाँ पे कर लेना है, अगर आपके पास में स्नैपचैट का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली उससे ही साइनअप यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस, ये सब करने के बाद में आप सिंपली अपने या तो सेल्फी ले सकते हैं या फिर आप मैनुअली जाके अपना अवतार यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि फेशियल्स वगैरह होते हैं, ईयर वगैरह, आईब्रो, जो भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, सनग्लासेस वगैरह, क्लोथ वगैरह, जो भी है आप सारा कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो फाइनल अवतार होगा आप उसको सेव कर दीजिए और वही आपकी फाइनल बिटमोजी बनकर तैयार हो जाएगी। इतना सब करने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इसको हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैसे लगाएं।
लगाएं। तो गाइज इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली सेटिंग्स में चले जाना है और गाइज वहां पर आपको जो क्लॉक स्टाइल वाला सेक्शन होता है उसमें आपको जिप वाले ऑप्शन में चले जाना है और वहां पर आपको साइड में एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि बिट मोजी का होगा। और गाइज उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो अवतार बनाया था अभी बिट मोजी वाले एप्लीकेशन में उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पर जिप्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनमें से किसी को भी यहाँ पर लगा सकते हैं और काफ़ी कूल लगता है ये लगाने के बाद। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये लगाने के बाद में कैसा लगता है तो आपके सामने अभी एक वीडियो प्ले होगी और जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बिटमोजी लगाने के बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे हमारा कैसा लगता है। और गाइस सैमसंग ने इस वाली अपडेट के बाद कीबोर्ड में तो बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया है, अगर जिनको डिटेल में बताने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि सारे फीचर्स के बारे में बता दूं। और जिनमें से कुछ फीचर्स के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूं तो इनको इस वाली वीडियो में यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूं और जो छूट गए थे उनके बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं। तो गाइस जिनमें से पहला फीचर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांसलेट वाला। तो गाइस अब यहाँ पर आप ऑन द गो सेटिंग के दौरान अपना जो भी सेंटेंस वगैरह है आप उनको ट्रांसलेट करके भी यहाँ पर सेंड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ हेलो आई एम हेयर और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे जहाँ पे एंटर वाला बटन होता है। तो गाइस जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो इसका ट्रांसलेशन होगा हिंदी में वो आ जाएगा और आप सिंपली इसको सेंड वाले बटन पर क्लिक करके सेंड भी कर सकते हो। देखिए हेलो मैं यहाँ हूँ, ये आपका ट्रांसलेट हो गया और आपने इसको सेंड भी कर दिया। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है और मुझे भी काफ़ी पसंद आया है। इसके अलावा गाइस कीबोर्ड में आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आपने बिटमोजी अभी बनाई थी, आप उसके जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं जो जिप्स फाइल्स वगैरह होती हैं आप उनको डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो अपनी चैटिंग वगैरह में। तो देखिए मैंने जो यहाँ पर बिटमोजी बनाई थी उसका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिप्स वगैरह हैं बहुत सारे हैं, आप इनको सेंड भी कर सकते हो आसानी से इस तरीके से। सिंपली आप क्लिक करिए और ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा और उसको आप सेंड कर दीजिए। इसके अलावा गाइस आपको अपना एआर इमोजी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो चाहे तो आप अपनी बिटमोजी को शेयर कीजिए या फिर आप एआर इमोजी को सेंड कीजिए, दोनों ही काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा गाइस हमें यहाँ पर एक और नया फीचर देखने को मिलता है जो कि यूट्यूब वाला है। और गाइस इस वाले फीचर की हेल्प से आपको यूट्यूब को ओपन भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड में ही टाइप करके यूट्यूब पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं और आपको इसमें यूट्यूब ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर अपने चैनल को सर्च करता हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक किया और अपने चैनल का नाम डाल दिया यहाँ पर टैग डिफाइनर, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की जितने भी वीडियोस वगैरह होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और मैं अगर सिंपली उन पर किसी पर भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए मैं इस वाली वीडियो पर अपने क्लिक कर देता हूँ, तो उसका जो लिंक होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप डायरेक्टली उस लिंक को सेंड भी कर सकते हो। तो अभी आपको यूट्यूब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से सर्च कीजिए और आपके सामने जो वीडियो के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे आप उनको डायरेक्टली कीबोर्ड से ही सेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है और ये काफ़ी टाइम सेविंग वाला फीचर देखने को मिला है। और गाइस इन सभी के अलावा कैमरा में एक और नया फीचर हमें देखने को मिलता है जो कि एआर जोन, और इसमें आप मेकअप वगैरह कर सकते हैं और अपनी फोटो को एक नए नए अंदाज में नए नए स्टाइल में आप कैप्चर कर सकते हैं। और बेसिकली ये वाला फीचर गर्ल्स वगैरह के लिए, तो सैमसंग यहाँ पर सभी का ध्यान रखता है, आप भी इसका एंजॉय ले सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। इसके अलावा गाइस अगर बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो गाइस कैमरा में जो ऑप्शंस वगैरह हैं उनमें तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है और ना ही हमें कैमरा में कोई नया वाला फीचर देखने को मिला है और ना ही हमें यहाँ पर कैमरा में प्रो मोड देखने को मिला है। अब देखते हैं कि वनयूआई 3.0 की अपडेट के बाद हमें कैमरा में प्रो मोड देखने को मिलता है या फिर नहीं। बट गाइस अगर बात करें यहाँ पर वनयूआई 2.5 की अपडेट के बाद कैमरा क्वालिटी की, तो गाइस इस अपडेट के बाद मुझे क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हैं चाहे वो लो लाइट की हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट की हो, मुझे थोड़ी सी कैमरा की क्वालिटी इंप्रूव देखने को मिली है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और गाइस इन सभी के अलावा अगर स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, तो गाइस अपडेट के बाद मुझे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिली है। और गाइस अगर बात करें यहाँ पर ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह की, तो गाइस ऐप ओपनिंग वगैरह में यहाँ पर कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिला है, बल्कि गाइस मुझे पहले से जो ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह है वो काफी फास्ट देखने को मिला है। और गाइस इसके अलावा मुझे यूआई में कोई भी लैग वगैरह नोटिस नहीं हुआ है। और गाइस अगर आप में से किसी को भी इस टाइप के ब्लैक वॉलपेपर्स को डाउनलोड करना है, तो गाइस आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर गाइस मैं इस टाइप के वॉलपेपर्स को शेयर करता रहता हूं, तो आप उनको डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर टेक डिफाइनर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज अगर इसके अलावा बात करें यहाँ पर कोई भी बग वगैरह की, तो गाइज इस अपडेट के बाद मुझे अपने स्मार्टफोन में कोई भी बग वगैरह नोटिस नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी के भी स्मार्टफोन में कोई भी बग या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गाइज आप मेरे को बिना सोचे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर दूंगा। और गाइज अगर फाइनली यहाँ पर बात करें बैटरी की, तो गाइज बैटरी से रिलेटेड मेरे डिवाइस
पहले भी कोई इशू नहीं था, ना ही मुझे चार्जिंग टाइम में कोई इशू देखने को मिलता था, ना ही मुझे बैकअप में कोई इशू देखने को मिलता था। बट गाइज अगर यहाँ पर बात करूँ मैं बैटरी बैकअप की, तो गाइज इस वाली अपडेट के बाद मुझे बैटरी बैकअप ने थोड़ा सा इंप्रूव देखने को मिला है पहले से। ज़्यादा नहीं, आप कह सकते हो कि 30 मिनट्स का जो मुझे बैकअप है थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है पहले से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके स्मार्टफोन में बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है, या फिर गाइस आप में से किसी को भी बैटरी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आप किस तरीके से अपनी बैटरी को कैलिब्रेट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपने प्रॉपरली एक बार अपनी बैटरी को रिकैलिब्रेट कर लिया तो लाइफ में आपके स्मार्टफोन में बैटरी से रिलेटेड कोई भी इशू आने वाला नहीं है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके स्मार्टफोन में बैटरी से रिलेटेड कोई भी इशू हो। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। इस वाली वीडियो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू दे दिया है oneui 2.5 की अपडेट का, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A50 के लिए आई थी। तो गाइस अगर आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइस अगर आपका इस वाली वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और गाइस अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक एंड बाय बाय।